फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर स्मार्ट चैन दिख रही होगी, जो कि मेरे पास $9 की स्मार्ट चैन है। और दोस्तों, इससे हम आपको जो बिटराइज टोकन है, जो कि बिटगर टोकन है दूसरे नंबर पर, इसको हम आपको खरीद कर दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे वैलेट में पहले भी कुछ टोकन खरीदे हुए पड़े हैं, लेकिन देखिए हमारे पास $9 की स्मार्ट चैन है, तो हम $5 के बिटगर टोकन, जो बिटराइज टोकन है, इनको आपको लाइव खरीद कर दिखाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, खरीदने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए BNB से बिटगर टोकन खरीदने हैं, तो आपको BNB पर क्लिक करना है सबसे ऊपर। यह देखिए, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको सबसे लास्ट में स्वैप का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। अब आपको स्वैप टू BNB सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यह देखिए यहाँ पर। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर TWT के आगे एक एरो का निशान आ रहा होगा हल्का सा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ से उस टोकन को सर्च कर सकते हैं जिसको आप बाय करना चाहते हैं। दोस्तों, ये देखिए मेरे नीचे यहाँ पर आ रहा है बिटराइज टोकन, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, जो हमारे BNB में $9 पड़े थे, उनमें से हमें $5 के ब्रिज टोकन खरीदने हैं, जो बिटगर टोकन है। हमें ऊपर अमाउंट डालना है $5। दोस्तों, $5 BNB कितने होते हैं? दोस्तों, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर 5 डाल देते हैं तो यह हमारी 5 BNB हो जाएंगी, जिस जो कि एक BNB का अमाउंट $250 के समथिंग है। तो दोस्तों, यह देखिए, यह समथिंग $1000 से ऊपर का अमाउंट पड़ चुका है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, हमें $5 का अमाउंट डालना है, तो वह कैसे डालना है? दोस्तों, यह देखिए, हम एक बार बैग आ जाते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हमें सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, हमें अमाउंट BNB नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और अब हम यहाँ पर $5 का अमाउंट चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहले हम 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 5-2 लगाएंगे। यह देखिए दोस्तों, तो 5.13 हो रहा है, लेकिन हमें $5 का करना है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं 199। दोस्तों, ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखिए, अभी भी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा और कम कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, तो आप अपने देखिए दोस्तों, अभी यह $5 का हमारा अमाउंट फिक्स हो चुका है, तो हम इसको याद कर लेते हैं 0.0195। दोस्तों, ये देखिए, हमें यह अमाउंट डालना है वहाँ पर, तो हम फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखिए, स्वैप पर क्लिक करना है, स्वैप BNB पर क्लिक करना है, और हमें यहाँ सर और हमें यहाँ से ब्रिज टोकन, जो बिटगर टोकन है, वह सिलेक्ट कर लेना है। यह देखिए, अब दोस्तों, आपको ऊपर अमाउंट डालना है $5 का, जो कि था 0.0195। दोस्तों, ये देखिए, ये $5 का अमाउंट था। अब दोस्तों, नीचे $5 में हमें जितने भी टोकन मिलेंगे उसका अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों, आपको नीचे प्रीव्यू स्वैप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यह देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, हमारे सामने स्वैप का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों, ये देखिए, हमारी नेटवर्क फीस भी $1 से ऊपर की कट रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, हम स्वैप कर देते हैं, तो दोस्तों, हम कन्फर्म स्वैप पर क्लिक कर देते हैं, और लोडिंग होगा, और हमारे यह कॉइन स्वैप होंगे या नहीं, तो हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, प्रोसेसिंग में चला गया है हमारा ट्रांजेक्शन, हम ओके पर क्लिक करते हैं। और यह देखिए दोस्तों, हम इसको एक बार रिफ्रेश मारते हैं, जो हमारी नेटवर्क फीस है वो तो कट चुकी है, लेकिन हमारे टोकन अभी हैं, लेकिन हमारे टोकन अभी बाय हुए या नहीं, यह हम बैक करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हम रिफ्रेश मारते हैं, तो दोस्तों, अभी हमारे टोकन नहीं आए हमारे वैलेट में, हम थोड़ा रिफ्रेश मार लेते हैं बार बार। दोस्तों, यह देखिए, अभी भी हमारे टोकन ऐड नहीं हुए हैं। दोस्तों, हम एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। दोस्तों, हम एक बार ट्रस्ट वैलेट को दोबारा ओपन कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमने यह दोबारा ओपन किया ट्रस्ट वैलेट, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर बिटराइज टोकन ऐड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल अभी पेंडिंग में है। दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों, यह फेल हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारी नेटवर्क फीस कट चुकी है, लेकिन हमारा यह ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, और हमारी नेटवर्क फीस अब वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी नेटवर्क फीस कट गई है, लेकिन हमारे टोकन स्वैप नहीं हुए हैं, और हमारी नेटवर्क फीस बगैर मतलब के ही कट गई है। तो दोस्तों,
अगर आप भी कोई टोकन स्वैप करना चाहते हैं तो अगर आप स्वैप वाले ऑप्शन से ना करें तो ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको कोई भी टोकन स्वैप करना है तो आप पैनकेक स्वैप की वेबसाइट से ही स्वैप करें। अगर आपको पैनकेक स्वैप की वेबसाइट से टोकन स्वैप करने नहीं आते हैं तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देखकर किसी भी टोकन को उसी प्रकार से स्वैप कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है जैसे हम इस मेथड से यहाँ से स्वैप कर रहे थे, हो सकता है हमसे यहाँ पर गलती हो गई हो। जैसे ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर कॉइन डाल रहे थे, अपना अमाउंट डाल रहे थे, यह देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है इसकी वजह से हो गया हो। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो आप पैनकेक स्वैप की वेबसाइट से ही स्वैप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।